इंटरव्यू के लास्ट सेंटेंस के बारे में तो मैं बात करना भूल ही गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने बोला कि मैंने एक पेनी नहीं खर्चा किया है बच्चों की परवरिश के लिए। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? जब मैं अर्जुन बिजलानी के साथ, जो तुम्हारे साथ है, वहां पे शो कर रहा था, और उसके बाद मैं बालाजी के दो शो कर रहा था, तो उन, और ये अभी 2000 बहुत दूर भी नहीं, ये तो अभी की बात है, 40-40% मैंने ऑनलाइन अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। पैसा हजम भी कर लेती हो और तुम फिर ये बोलती हो कि मैं पैसे में नहीं खर्चा कर रहा, और तुम अकेले पैसे खर्चा कर रही हो। यू नो वॉट, ऑलरेडी तुम बहुत गिर गई थी, तुम बस गिरती ही जा रही हो। श्वेता ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जिसके कारण मैं भी लाइव आया हूँ, क्योंकि आई हैव हैड इनफ। बहुत हो गया झूठ सहते, बहुत हो गया हमेशा गलत बातें सहते। नाउ आई वॉन्ट टू कम एंड आंसर पॉइंट वाइज जो इसने बोली है बातें। श्वेता बोलती है कि उसने मुझे कॉल किया था और मुझे बताया था कि बच्चा बड़ा ठीक है, उसकी फैमिली के साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगा श्वेता को कि इनफ ऑफ लाइंग श्वेता, इतना ही अगर कॉल किया था तो ज़रा कॉल रिकॉर्ड दिखाना, क्योंकि मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। जब तुमने मुझे मैसेज करके मांगी थी कंसेंट, मैं रिप्लाई किया था कि बच्चा मेरे साथ रहेगा। यहाँ पे कोविड चल रहा है, लोग मर रहे हैं घुट घुट के, और अब थर्ड वेव में बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। ऐसे टाइम पे तुम सब छोड़ छाड़ के चले गई हो, क्योंकि तुमको बहुत पैसे कमाने की ज़रूरत है। बहुत कमी हो गई है तुमको, कि पैंडेमिक में भी और इसमें भी तुम्हें पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और तुम्हें बच्चा छोड़ के ही जाना पड़ा। और अगर छोड़ के ही गई थी तो मेरे पास क्यों नहीं छोड़ा? पिछली बार जब उसको कोविड था तो मैंने उसका ख्याल रखा था, उसको कोविड से ठीक किया था। अभी तो वो, अब तुमने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो किसी और लोकेशन पर है, जो मैं कल बोल रहा था, जो तुम्हारे जो ट्रोलर्स, जो तुम्हारे पीआर हैं, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो कैसे होटल पे छोड़ सकती है। अब तुम्हारे जो ट्रोलर्स हैं, जो पीआर हैं, उनको सबको समझा दो कि हाँ किसी होटल में ही छोड़कर गई हुई हो, छुपा के मुझसे, दूर रख के मुझसे। जब मैं जिंदा हूं, मैं उसका नेचुरल गार्डियन हूं, तो नानी और बहन का कहाँ, वो क्यों रखेंगे, और कहाँ रखा है, घर पे भी नहीं। तुमने सिर्फ इलीगली डिटेन नहीं किया है लड़के को, तुमने उसको एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे भी डिटेन किया हुआ है। एंड माइंड यू, लॉ इज स्लो बट लॉ इज नॉट अ जोक। यू कैन टेक लॉ फॉर अ राइड, लॉ इज नॉट फॉर अ जॉय राइड श्वेता। एंड यू कैन कीप ऑलवेज टेलिंग लाइज, एंड आई हैव हैड इनफ। फॉर एवरी लाई ऑफ योर्स आई विल कम एन आंसर। लास्ट नाइट I've gone to 10 hotels last night to search for my child. You had informed me. Why would I run from hotel to hotel? Why would I call child helpline? Why am I registering an FIR right now with Samtanagar police station against you for neglect under the Juvenile Justice Act, Section 75 and Section 82? You have just abandoned the child and left him and gone away? Not even bothered to let him be with me? Why? Why? And you think you'll just come up and just come and just tell a lie that you have left the child in some hotel and this and that? You know what, Shweta? Enough is enough now. I have also had enough now. This is too much. Mera bachcha koi phenka hua nahi hai, jisko tum bas chhod ke chali gayi ho kahin pe, and he is just kahin pe rul raha hai is pandemic mein wo bhi. This is not right. He is not at his home. He's somewhere else. You have left him and gone. Really? And then you're giving an interview. I'd informed him. Pesh karo. Lekar aao call records. Tum to respond hi nahi karte. Tumne to mereko block kiya hua hai. You have blocked me in your WhatsApp. मेरे पास तो एविडेंस आफ्टर एविडेंस है, जो मैं कोर्ट में भी पेश करता रहा हूँ और कर रहा हूँ, और मैं मीडिया में भी किया है, और तुम जितना बोलो मैं उतना ले आऊंगा श्वेता। Enough of these lies. You have just abandoned the son in an undisclosed location. I even now say and I request you, Shweta, कि बेबी को मेरे हवाले कर दो,
लेट हिम बी विद मी, आई एम हिज नेचुरल गार्डियन, आई एम हिज फादर, दिस इज नॉट राइट, वॉट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, एंड आई नो दिस श्वेता, इट माइट टेक मी टाइम, ट्यूजडे माइट बी माई हियरिंग विद हाई कोर्ट विच आई एम गेटिंग और अ डे आफ्टर, बट आई विल गेट अ डेट. यू कैन हाइड माई सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू कैन कीप हिम अवे, बट डोंट वरी, आई विल गेट अ डेट एंड आई विल कम आउट विद इट एंड आई विल मेक श्योर दैट माई चाइल्ड विल नेवर एवर इन द फ्यूचर सफर लाइक दिस दैट इज सफरिंग टूडे. एंड यू टॉक अबाउट, तुमने हाईकोर्ट के ऑर्डर से तुम मुझसे बात कराती हो, तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैंने एफिडेविट फाइल किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम चली भी कैसे गई, तुम्हारा एंटिसिपेटरी बिल की एप्लीकेशन अभी भी चल रही है कोर्ट में और तुम छोड़ छाड़ के चली गई. हिबस कॉर्पस का पिटिशन चल रहा है, इट्स फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. सो ये सारे तुम्हारे पे केसेस पेंडिंग है एंड इंटरेस्टिंग 467 का सेक्शन लगा है तुम पे, 14 साल की है लाइफ टर्म. यू हैव फोर्ज्ड माय सिग्नेचर अर्लियर ऑल्सो वंस एंड द मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट हैज ऑर्डर्ड फॉर द एफआईआर. मैंने नहीं कराया, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट ने कराया. व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम्हारे पीआर ने हमेशा मेरे बारे में इतनी गंदगी फैलाई हुई है, क्या आई हैव डन रॉन्ग थिंग्स, आई हैव डन रॉन्ग थिंग्स. यू हैव जस्ट लॉस्ट इट दिस टाइम बाय लीविंग माई सन एंड अबैंडनिंग हिम लाइक दिस, बट दिस इज इट श्वेता, इनफ इज इनफ नाउ, नो मोर ऑफ योर लाइज, नो मोर ऑफ योर ट्रोलर्स, नो मोर ऑफ योर पीयर ड्रामा, नो मोर ऑफ एनी ऑफ योर सपोर्ट, ऑफ योर पोलिटिकल सपोर्ट, योर पुलिस सपोर्ट, नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग. I will fight and you can only win against me by killing me now, Shweta. That's it. There's no other way. I've had enough. You say you made me talk to the child. Contempt I have filed against you that you're not letting me make me talk to the child. You told in the court that you will make me talk to the child for how long he wants. You have made sure. I've got hundreds of videos in which you're yourself saying that cut the call now, bye bye kar do and all that. Even now it is happening. 12 minutes, 1 minute the child is talking to me. You talk about, you talked to me and you spoke to me and you told me where the child is. Really? And as such, why is the child with Yamini and your mother and Palak? They have not been infected by COVID even in the first wave. Pehli wave mein COVID se nahi affect hoye hain. Wo to zyada susceptible hain. Bachcha safe mere saath hai. So, lies will not win. You should know this. They never will.